नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974। तो दोस्तों, ये हमारे अखाड़े के पास हमारा जो है मिनरल वाटर का भंडार है और ये हमने एक बोतल पानी की भरी है। तो दोस्तों, आज जो है मंगलवार है और दिन के दोपहरी का टाइम है, ये मतलब 2 बजे हैं। तो मैंने कल कुछ फोटोज़ पिक्चर वीडियोज़ शेयर की थी अपने अखाड़े की, तो कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने कह दिया था कि कई मामले में ये कोल्हापुर से अच्छा भी है क्योंकि इस टाइम गर्मियों का सीज़न है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा माहौल हो रखा है। और आज हमारा जो है माउंटेन क्लाइंबिंग का दिन है। तो ये कैसा, मैंने ऐसा क्यों कहा, और वैसे तो किन्हीं दो प्रदेशों को, हर प्रदेश अच्छा है, लेकिन मैंने अपने लिहाज से बोला था कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मौसम ठीक नहीं है और गर्मियाँ बहुत होती है, और कोल्हापुर तो बहुत दूर है दिल्ली से। तो अगर मैं दिल्ली में खड़ा होकर सोचता हूँ कि कोल्हापुर जाऊँ या यहाँ पर आऊँ, तो उस लिहाज से ये जो है उत्तराखंड हमारा बहुत अच्छा है। ये क्यों अच्छा है, और आज मैं एक हमने माउंटेन है, इस माउंटेन को अगर आप देखेंगे तो हमने इस पर चढ़ना है और करीबन हम 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर चढ़ेंगे। तो इस जर्नी में मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा बीच में ले चलूँगा और ऊपर टॉप से देखेंगे। अभी हम बॉटम में हैं, पानी की बोतल हमने ले ली है और आज हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग का दिन है और मैं अपने दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा होता है गर्मियों में। यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से 15-16 डिग्री टेम्परेचर है 2 बजे दिन में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हम कैंप लगाएंगे कुश्ती का या जोर करेंगे या मैट फैसिलिटी अगर यहाँ पर देंगे बच्चों को कभी, तो मैंने अभी अखाड़ा जो खोला है अभी धीरे धीरे, क्योंकि भाई गरीब आदमी है, पैसे सुविधाएँ इतनी नहीं है अपने पास, तो धीरे धीरे खोल रहे हैं। अखाड़े में फावड़ा की ज़रूरत है, रस्सी की ज़रूरत है, या मतलब एक छोटा सा टेम्पल बनाना है या मतलब एक रूम बनाना है, ये सब मैं करूँगा धीरे धीरे। लेकिन अभी भी आज भी लोग यहाँ पर आकर जोर कर सकते हैं क्योंकि बगल में छोटी सी नदी बह रही है और अखाड़ा तो पूरा मिट्टी का है ही, मुगदर वगैरह ये सब है हमारे पास, जो भी है मेन ज़रूरतें जो होती है, बाकी एक लंगोटी चाहिए होती है, कुश्ती का खेल ऐसा है। तो दोस्तों, आज चलते हैं माउंटेन क्लाइंब पर और मैं रहेंगे, और बेसिकली मैं तो चढ़ पाऊँगा या नहीं, पर मैंने ये शेड्यूल बनाया है अपने बेटे अनुज पहलवान के लिए, वो मेरे साथ चढ़ेगा इस पहाड़ पर, आप देख रहे हैं। तो चलते हैं एक बार। ये पानी में गडरी है और इस ये एक पहाड़ी जड़ी बूटी है, गडरी कहते हैं इसको, गडरी, और इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, इसके पकोड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। और अभी तुगलकाबाद गांव से हमारे दो दोस्त आए थे, उनके लिए मैंने इसकी पकौड़ी बनाई थी, बहुत मज़ा आया था उनको। और ये हिसर के पेड़ हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, रेसबेरी, वाइल्ड रेसबेरी है, बहुत महंगी होती हैं ये, जीवन रक्षक फ्रूट्स हैं ये, अब होने लगेंगे। तो चलेंगे पहाड़ के दर्शन को, आज हमने बहुत ऊंचा पहाड़ क्लाइम करना है। मतलब जो आदमी यहाँ पर आएगा, कुछ दिन रहेगा, अगर वो 2-4 बार ऐसे पहाड़ पर चढ़ जाए तो भाई बता नहीं सकते क्या हो जाएगा उसके साथ में, मस्त हो जाएगा वो। ये जूते तो अनुज ठीक नहीं है यार, तूने मैं कैसे जूते पकड़ा दिए, मेरे ही बढ़िया थे। जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है, ये एक पेड़ है दिखाइए, ये शराब छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे मारते नहीं है, इसकी दवा बनती है इसकी, पर ये बहुत कांटेदार पेड़ होता है ये, मतलब पहाड़ों पे जड़ी बूटियाँ बहुत है।
मैं चढ़ के दिखा रहा हूँ, वैसे अनुज की मेहनत है ये, पर आज मैं चढ़ के दिखा रहा हूँ। देखिए जरा सी दूर में कहाँ पहुँच गए, वहाँ नीचे थे हम, है ना। चलो इस तरह की सॉलिड रॉक होती हैं यहाँ, इनसे हम लोग घर बनाते हैं। पहाड़ में हमेशा पत्थरों के घर बने। मतलब पहले बेटा इन पत्थरों को उठा के लोग घर ले जाते थे, है ना। अब ये नहीं मुझे पता कैसे ले जाते थे वो, पर एक पत्थर कम से कम 150-200 किलो से ऊपर का होगा। ये जो पेड़ है ना, ये बांज के पेड़ हैं। बांज का पेड़ देखिए, ये रहा पेड़, ये वाला। इनके पेड़ के जड़ों का पानी जो होता है बहुत वो होता है। हमारे उत्तराखंड में इस्टेब्लिश फैक्ट है कि बांज के पेड़ों का पानी बड़ा मीठा होता है। लोग यूँ कहते हैं कि एक पेड़ जो है 5 लीटर के करीब पानी देता है लेने की बजाय। एक दिन में तो जहाँ बांज के पेड़ होंगे ना, वहाँ पानी ज़रूर मिलेगा, और पानी होगा तो बहुत बढ़िया होगा। ये पाइन ट्री का फ्रूट है ना। हाँ, इसके अंदर बीज होते हैं, उन्हें खाते भी हैं। हम बचपन में इसे जलाते थे, फिर उनको फोड़ के इनके बीज खाते थे, बादाम की तरह। यहाँ पहाड़ों में ना गांव छुपे होते हैं। अगर आप दूर हॉरिजन पे देखेंगे तो एक स्कूल दिखेगा आपको, एक सड़क दिखेगी छोटी। उस सड़क से हम अभी आए हैं, ऊपर चढ़े हैं, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, नज़ारे आते जाएंगे। आसमान में बादल यहाँ रहते हैं इस टाइम, बहुत अच्छा मौसम है। दोपहर के 2 बजे हैं और 14-15 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, पाइन ट्रीज, ये पाइन ट्रीज है हमारे। ये एक्चुअल में पहाड़ जो है मेरी मिल्कियत में आता है, मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी है गांव की और हमारे परिवार की। तो आप ये पेड़ देख रहे हैं, इनको काट के बेचना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर ये इतने सारे पेड़ यहाँ पर हैं कि अगर सारे बिक जाए तो फिर हेलीकॉप्टर में घूमें।
हाँ ये नीचे देख, ये नीचे पाइन ट्री के घास पड़ी हुई है, ये बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें देखियो इसमें फिसलन का डर होता है, बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। और इसका उपयोग ना जैसे हरियाणा यूपी में गोबर का इस्तेमाल करते हैं ना हुक्का पीने के लिए, तो ये जहाँ होता है आदमी ढाल लेता है अनुकूलन, तो इसको हुक्के में जलाया जाता था। तो इसकी ये बड़ी ये फल है पाइन ट्री का, इसकी गांठ बड़ी मजबूत होती थी तो वो जलती रहती थी, हुक्का जलता रहता था बहुत देर तक। ये यहाँ बहुत होते हैं। क्या हुआ? ये मतलब निर्जन स्थान है ना, तो यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि और तो कोई परेशानी नहीं है, ऊंचाई है, बारिश भी आ रही है, लेकिन खतरा यहाँ वही होता है। यहाँ पे जंगली सुअर और ये सांप, और आपको पता ही है जंगल का राजा शेर, उसका तो एक घर ही है। तो नॉर्मली तो जानवर अटैक नहीं करते, लेकिन हम अभी उसके एरिया में जा रहे हैं, यहाँ नॉर्मली कोई आता नहीं है, तो खतरा तो बना ही हुआ है। बारिश भी आने लगी है और पसीना भी आ रहा है हमको ऊपर चढ़ते हुए। रास्ता भी मुझे कोई खास पता नहीं है, पर नहीं। बारिश आ रही है तो कैमरे को ढकना पड़ा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों पहले हम घाटी में थे जो नीचे दिख रही है, अब हम बहुत ऊपर आ गए हैं, और मतलब हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। देखो गर्मी का मौसम है तो बारिश में कोई गलना तो बनेगा नहीं लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो ठंडी ठंडी बूंदें टकरा रही हैं, एकदम मस्त माहौल है, क्या बताएं। और करीबन 1500 मीटर में ऊपर आ चुका हूँ, और अभी भी हमें करीबन 2500 मीटर ऊपर चढ़ना है, 2500 मीटर चलना है, जो कि बहुत टफ टास्क है आज के माउंटेन क्लाइंबिंग डे का। बारिश भी पड़ रही है, कैमरा जो है हमने ढका हुआ है फिर भी। तो दोस्तों बारिश हुई थी, भीग गए हम लोग, और आप बादलों के गड़गड़ाहट देख सकते हैं। अभी ये बारिश थमी है, और अभी तो हमें बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाना है, कम से कम 3000 मीटर हम चले, बारिश में चलते रहे, क्योंकि ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिसके नीचे हम खड़े हो सके। पाइन ट्रीज़ हैं, उनसे बारिश छन कर आई जाती है। तो हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा है,
और 2 घंटे हमें चलते हुए हो गए, 4:30 के करीब टाइम हो चुका है इस टाइम। तो अभी हमने और चढ़ना है, देखो आप कैसी स्टीप चढ़ाई है, और ये पत्थर भी है, इनसे भी बचाव का ख़तरा है, इनके नीचे सांप वगैरह भी कुछ हो सकते हैं। और अभी हमारी तकरीबन 1500 मीटर अभी हाइट बची हुई है, एक बार हाइट पे चढ़ेंगे ज़रूर आज, हालांकि भीग गए कुछ और थोड़ा ठंड सी लग रही है, लेकिन कोशिश करेंगे। तो चलें, जोर से हम गांव में जब बचपन में थे तो ऐसे पहाड़ों पर चढ़ा करते थे। आज मैं अपने बेटे को भी लेकर आया हूं इस माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। और पहाड़ पे आप दौड़ नहीं सकते, पहाड़ पे वॉकिंग नहीं कर सकते, पहाड़ पे जॉगिंग नहीं कर सकते, पहाड़ पे सिर्फ होती है स्केलिंग। अब यहां पे हमने जब चढ़ना है तो हमें इंच बाय इंच यानी एक एक कदम नाप कर हमें चढ़ना पड़ेगा, इंच बाय इंच हम स्केलिंग करेंगे और तब जाके हम वहाँ ऊँचाई पर पहुँचेंगे। और अभी तो बहुत दूर ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, तो देखते हैं कि हम पहुंच पाते हैं नहीं, कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये जो पहाड़ है ये अभी ऊपर चढ़ के आए हम, और अभी करीबन 1000 मीटर और है। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि जल्दी से मतलब ऐसी माउंटेन क्लाइंबिंग कभी ना करें, मतलब जो नहीं फटनी होगी फट जाएगी, मतलब एक गाइड जरूर रखें और एक रस्सा होना चाहिए जो बंदा जल्दी पहुंचे तो दूसरे को खींच ले, क्योंकि ये मतलब बहुत ही स्टीप ढाल है। तो आपने अंग्रेजी पिक्चर में देखा होगा पत्थरों पर चढ़ते हैं, लेकिन ये रेत है, जैसे आप चढ़ेंगे नीचे चले जाएंगे, और नीचे पत्थर गिरने, अगर आपके साथ कोई नीचे है तो पत्थर गिरने से वो मर सकता है। और वैसे भी यहाँ फिसल गए तो जान तो गई, तो लेकिन फिर भी हम गढ़वाली बंदे हैं। और अनुज थोड़ा घबरा गया था क्योंकि वो नहीं जानता, बचपन से हम लोग तो खैर चढ़ते जाना है, तो देखेंगे कि चढ़ पाते नहीं चढ़ पाते। खैर मतलब 3000 मीटर के करीब स्केलिंग कर चुके हैं, बहुत ही खतरनाक स्टीप ढाल है, जो बहुत ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। और अब जो है दोस्तों क्या शानदार नज़ारा है, पहले जब हम अखाड़े पर थे तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब यहाँ से देखिए कितने शानदार पहाड़ दिखाई दे रहे हैं दूर तक। तो माउंटेन क्लाइंबिंग का ये फ़ायदा हुआ कि ऊपर चढ़ के एक नज़ारे हमने जो ले लिए, और बहुत इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, क्या मज़ेदार नज़ारा है। देखिए मेरी तरह शानदार, मेरी आंखों से देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये जो गाँव है, इस गाँव के बॉटम पर हम थे इस पहाड़ के, लेकिन अब इस पहाड़ से भी लगभग डबल ऊँचाई पर है, और एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है चारों तरफ का, बहुत शानदार। मतलब देखिए दिन का ही मौसम है, लेकिन इस मई जून के महीने में देखिए कितना ठंडा सुहावना मौसम है भाई, मज़ा आ गया।